नमस्कार दोस्तों, अभी भी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर। हरियाणा में दर्दनाक हादसा, 17 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा में शुक्रवार को हुए 3 सड़क हादसों में 17 लोगों की मौत हो गई है, 20 अन्य लोग घायल हैं। सबसे बड़ा हादसा अम्बाला के शहजादपुर में कक्कड़ माजरा गाँव के पास हुआ, जहाँ एक प्राइवेट बस और ट्रेलर में भयानक टक्कर हुई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें नारायणगढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि बस उत्तर प्रदेश के बरेली से हिमाचल प्रदेश के बड्डी जा रही थी। वहीं दूसरा सड़क हादसा फरीदाबाद गुरुग्राम पर हुआ, जहां तेज रफ्तार डंपर की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हादसा गुरुवार देर रात मगर पुलिस चौकी के पास हुआ। अधिकारी के मुताबिक पलवल के रहने वाले 6 लोग कार से गुरुग्राम से फरीदाबाद जा रहे थे। उन्होंने बताया कि सभी 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि उनके शव फरीदाबाद के बीके अस्पताल भेजे गए हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें, एक अन्य हादसे में 3 महिलाओं की भी मौत हो गई है। दोस्तों यह हादसा छातीपुर में NH 44 पर समलखा गांव के पास हुआ है, जहां पर 3 महिलाओं की भी मौत हो गई है, जबकि 16 लोग घायल हो गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर 24 घंटों के भीतर हरियाणा में दोस्तों सड़क हादसों में 17 लोगों की मौत हो गई है, 20 से ज़्यादा घायल हो गए हैं। बहुत ही भयानक यह हादसा हुआ है। आए दिन दोस्तों सड़क हादसा हो रहा है। प्रत्येक की जानकारी मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, ताकि आप ऐसी गलती ना करें। आप गाड़ी आराम से चलाएं, धीरे चलाएं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। गाड़ी तेज चला रहे हैं और हादसों का शिकार हो रहे हैं। बहुत ही बड़ी और बेहद बुरी खबर। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि गाड़ी आराम से चलाएं, धीरे चलाएं, ताकि आप सभी सुरक्षित रहें, आपका परिवार